मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से क्लास सिक्स की साइंस पढ़ने वाले हैं। क्लास सिक्स की साइंस में अभी तक अपन ने लेसन टू कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था। एक्सप्लेन होने के बाद अब अपन लोग क्या करना है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर देखना है, जिससे आप लोग क्वेश्चन आंसर राइट कर सकते हैं। तो आज जितने इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन आंसर है, उन सभी को अपन लोग क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन किए देते हैं, जिससे आपको कोई उसको फाइंड आउट करने में या राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें अपना वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेम एनी टू डेफिशिएंसी डिजीज, नेम एनी टू डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। तो इसके पहले हमने क्लास में आपको डेफिशिएंसी डिजीज बताया था। डेफिशिएंसी डिजीज वो होते हैं जब फूड में किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि विटामिन या फिर प्रोटीन या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसे हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या बताना है, दो डेफिशिएंसी डिजीज के लिए बतानी है। तो इसमें से फर्स्ट डिजीज है गोइटर, जो कि आयोडीन की कमी से हो जाता है, और दूसरी डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। ठीक है, तो दो आंसर में, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में क्या है, गोइटर एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन होता है अपना, सेकेंड क्वेश्चन है, नेम टू फूड विच कैन रिस्क इन प्रोटीन। अब अपन को दो ऐसे फूड के नेम बताने हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा अपन को पता है सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, जितने भी दाल होती है उनमें होता है। तो इसका होगा आंसर पल्स एंड मिल्क। पल्स में भी प्रोटीन होता है और मिल्क में भी प्रोटीन होता है। दो क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज, वही क्वेश्चन आ गया है, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज। ये डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, तो हम बता दें आपको, डेफिशिएंसी डिजीज इज अ डिजीज विच इज कॉज बाई न्यूट्रिएंट, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट लॉस। अगर अपनी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाए, तो ये जो उनसे जो डिजीज होती है उसे क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। क्या? डेफिशिएंसी डिजीज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू सोर्स ऑफ फाइबर इन अवर डाइट। हमारी जो हम डाइट लेते हैं उस डाइट में अपन को दो ऐसे फूड बताने हैं जिनमें क्या होता है, फाइबर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है तो व्हीट, व्हीट में भी फाइबर होता है, इसके अलावा पल्स होती है, तो पल्स में भी फाइबर। आंसर आपने क्या होता है, दो बताने हैं, तो व्हीट एंड पल्स हो जाएगा। अब अपने शॉर्ट टाइम क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्या? शॉर्ट टाइम क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट टाइम क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फाइव कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड। अब हम लोग फूड में फाइव टाइप के कंपोनेंट बताने हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ फूड में फिर से लिखते हैं आपको, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो पहला तो होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, फिर आता है फैट, फिर आता है मिनरल, फिर आता है वाटर। तो ये फाइव तरीके टाइप के अपने कंपोनेंट है जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड वाटर। ठीक है, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर का, सेकंड वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब उन्होंने ये पूछा है कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स क्या है। तो हमने बताया था जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी टाइप के फ्रूट्स होते हैं और एनर्जी गिविंग वाले फूड होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिले, उन सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हमने वेजिटेबल्स होनी, वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, और फ्रूट्स जूस में भी होता है। इसके अलावा जो अदर वेजिटेबल्स होते हैं उनमें होता है, जैसे पालक की भाजी हो गई, एप्पल हो गया, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें क्या, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट भी नहीं, तो एक सेल्युलोज होता है, दूसरा स्टार्च होता है, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होता है, व्हाई डू वी नीड फैट इन आवर बॉडी। अब हमें हमारी बॉडी में फैट क्यों जरूरी होता है, तो हमारी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर फैट होगा तो ये हमें हमारी स्किन अच्छी रहेगी, मतलब प्रोटेक्ट करती रहेगी। अगर अपन लोग की बॉडी के अंदर फैट नहीं होगा, फैट नहीं होने से अपन लोग कमजोर हो जाएंगे, कमजोर होने से अपन लोग कोई भी डिजीज कॉज हो सकती है। तो फैट की एक लेयर होती है जो अपनी स्किन में होती है, फैट होगा तो अपनी स्किन
अपन हेल्दी रहेंगे, अपनी स्किन अपनी डिजीज से प्रोटेक्ट भी करेंगे। फिर आता है अपना एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का इंपोर्टेंस, तो प्रोटीन का इंपोर्टेंस हम देखें तो प्रोटीन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इन रोगों से बचने के लिए हमें प्रोटीन ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि एक रोग होता है क्वास जोड़कर रोग होता है जो बच्चों में होता है। दूसरा एक और डिसीज होती है मरासमस डिसीज। तो ये दोनों डिसीज जो प्रोटीन की वजह से होती है, इन डिसीज से बचने के लिए हमें प्रोटीन वाले फूड खाने चाहिए। प्रोटीन वाले फूड को अपन क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब इसका मतलब ये है प्रोटीन वाले फूड खाने से अपनी क्या जो बॉडी होती है वो बिल्डअप करती है, मतलब अपने अंदर की जो सेल्स वगैरह टूट रही हैं तो वो रिपेयर होंगी और अपनी बॉडी अच्छे से परफेक्ट तरीके से वर्क करेगी और अच्छी बनेगी। फिर आता है अपना क्वेश्चन, व्हाट इज सॉरी एक्सप्लेन अबाउट फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में वाटर का क्या फंक्शन है, तो उनको पता है अपनी जो बॉडी होती है तो बहुत उसमें मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वाटर ही होता है। क्या होता है, वाटर। अब अगर आपको खाना खाना है तो भी वाटर चाहिए, ठीक है, पानी पीने के लिए वाटर चाहिए, और कुछ वर्कआउट जो कर लेंगे, कपड़े धोना, दुनिया भर के ऐसे काम होते हैं जिनमें वाटर कहीं ना कहीं जरूरी होती है। अब इसके अलावा जो हम लोग फूड लेते हैं जैसे फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स लिक्विड में होता है और उसमें भी वाटर होता है, ठीक है, खाना बनाते हैं तो भी वाटर चाहिए होता है। तो वाटर अपने अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अपने अंदर वाटर नहीं होगा तो अपनी बॉडी की जो सेल्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। वर्क नहीं करेंगे तो वो आपके लिए अपने लिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का, मतलब कंपेयर बताना है, डिफरेंस बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। तो पहला तो है यही कि कार्बोहाइड्रेट अपना एनर्जी गिविंग फूड होता है, जबकि प्रोटीन क्या होता है, अपना बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। कार्बोहाइड्रेट में से हमें एनर्जी मिलती है और क्या बोलते हैं, प्रोटीन वाले फूड से हमें हमारी जो बॉडी है वो सेल्स रिपेयर होती है, ग्रोथ करती है। थर्ड होता है बॉडी कार्बोहाइड्रेट में फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, जबकि प्रोटीन में मिल्क आता है, पल्सेस आते हैं। तो ये दो तीन अपने कंपैरिजन है जिससे अपन लोग बता सकते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्यों जरूरी है और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो फिर से अपना एनर्जी गिविंग और प्रोटेक्टिव आ गया। एनर्जी गिविंग मतलब हमें एनर्जी किस मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटेक्टिंग फूड मतलब प्रोटीन। तो ये दोनों वही के वही होते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट अपना प्रोटीन एंड मिनरल्स। प्रोटीन एंड मिनरल, तो प्रोटीन हमें मिल्क से प्रोवाइड होता है, जबकि मिनरल्स हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, एनवायरमेंट से या फ्रूट से भी प्रोवाइड होते रहते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें यही डिफरेंस होता है कि जो अपने मिनरल्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि जो अपने क्या प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के फंक्शन बताने हैं। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है। ये अपन को एनर्जी देता है, अपने अंदर की जो आलस वगैरह जो होता है वो दूर हो जाता है, इनसे अपनी बॉडी अच्छी हो जाती है। तो यही इसमें रहेगा अपना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसके पहले हमने आपको ये पहले जो लेसन है वो हमने ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था। अब ये सब हमने क्या है, क्वेश्चन आंसर, जिससे आप लोग इस बुक से ही क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर पाओ। ऐसे तो हमने बता ही दिए, हमें क्वेश्चन आंसर पता थे जा रहे हैं, लेकिन हमने तो हिंदी में बताया। आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करने को देखना है कि सर ने कैसा क्या बताया था, तो उसी से अपन को मिल जाएंगे। और अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज राइट द शॉर्ट नोट इन बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट बताना, बैलेंस डाइट क्या होता है, मतलब ऐसी डाइट जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट अपने बॉडी को जरूरी होते हैं, जिस क्वांटिटी में जरूरी होते हैं उस क्वांटिटी में हमें प्रोवाइड होता है, उससे क्या कहते हैं, मतलब बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब जितनी क्वांटिटी जरूरी होती है उससे ना तो कम उससे ना ही ज्यादा। जैसे अगर हम चार रोटी खाते हैं तो ना तो हमें चार से कम चाहिए और ना ही चार से ज्यादा। चार से कम खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डिजीज कॉज हो सकती है। और ज्यादा खाएंगे तो भी हमें डिजीज कॉज हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा खाने में अपन को पेट की बीमारी भी हो सकती है, बहुत सारी बीमारी। तो ये बैलेंस डाइट वो होती है जो हमें जितनी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो चाहिए होते हैं उतनी ही क्वांटिटी में मिलेगी। क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है। अब इसके बाद आता है अपना क्या, डिस्क्राइब द डिजीज ऑफ सिम्टम्स। अब बताएं सिम्टम्स वगैरह बताने हैं। जैसे यहाँ पे आयरन है,
आयरन क्या है, आयरन किसमें होता है, हीमोफीलिया मतलब ब्लड में। तो अगर ब्लड में आयरन की कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया डिसीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एनीमिया डिसीज। ठीक है, किसकी वजह से? आयरन की वजह, कमी की वजह से। फिर आना है आयोडीन। आयोडीन की वजह से हमें क्या, गोइटर डिसीज हो जाएगी। गोइटर डिसीज में क्या होता है, अपनी बॉडी में को मतलब जितनी क्वांटिटी में अपन को आयोडीन चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अपने यहाँ की जो थायराइड की ग्लैंड है वो फूल जाती है और गला फूल जाता है। तो इसके लिए हमें आयोडीन वाले सब्सटेंस या आयोडीन वाली सब्जियां या आयोडीन वाले नमक खाने चाहिए। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के अपन को क्या करता है, जो ब्लड में क्लॉटिंग होती है, जैसे कहीं भी चोट लग जाती है, चोट लगने से जो ब्लड निकलता है थोड़ी और दो चार पांच मिनट बाद ये ब्लड अपने यहाँ पे थक्का जैसा जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये विटामिन के इसी में हेल्प करता है, ब्लड की क्लॉटिंग। अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, और क्लॉटिंग नहीं होगी तो अपना जो ब्लड है कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा। फिर आता है अपना क्या, विटामिन बी। विटामिन बी से वेरी वेरी डिजीज हो जाती है, तो वेरी वेरी डिजीज को रोकने के लिए हमें विटामिन बी वन वाली चीजें चाहिए होती है। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी से हमें सनलाइट से प्रोवाइड होता है। सनलाइट से अगर हमें विटामिन डी नहीं मिलेगी तो हो सकता है अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज क्रिएट हो। विटामिन डी की वजह से अपने जो बॉडी के जो बोन्स वगैरह वो भी स्ट्रांग हो जाती है, बॉडी ग्रोथ करती है। फिर इसमें अपना इतना ही रहता है। अब इस लेसन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें बताएं। हमने दो पहले की दो क्लास में ये लेसन अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आज की क्लास में अपने सारे क्वेश्चन आंसर दिए। ठीक है, तो अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बताएं और कमेंट करके बताएं, तो हम उसके में आपको जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा, वो अपन लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।